लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाइट की वजह से किसी स्ट्रक्चर के फोटोग्राफ में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड पे कोई स्ट्रक्चर है उसका बेस और टॉप क्या होता है आपका, अगर वर्टिकल कोई स्ट्रक्चर है तो कोइंसाइड करता है आपस में, है ना। केवल हाइट वेरी करती है, एक एक्सिस वेरी करता है, लेकिन जब हम फोटोग्राफ में देखते हैं तो उसका बेस और हाइट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, और उस डिस्प्लेस की वजह से हम एक फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम हाइट ऑफ स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हुआ था, और नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि आप देख रहे हो फ्लाइट प्लानिंग, ठीक है। स्लाइड ना दिखे या एनोटेशन ना दिखे, आवाज़ क्लियर ना हो तो तुरंत बता देना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लाइट प्लानिंग। हम एरियल सर्वे कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक कैमरा है जो माउंटेड है आपका एरियल व्हीकल पर। अब वो एरियल व्हीकल जो है वो फ्लाइट करेगा, उड़ेगा, तो जब उड़ रहा है वो उड़ने से पहले उसकी क्या क्या प्लानिंग हमें करनी है और क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है हमें, उसके बारे में से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये SK दुग्गल पार्ट 2 है, इसका मैं आपको PDF भेजूँगा, इसमें दिया हुआ है आपका आपका 4th और 5th यूनिट इस बुक में है। तो इसमें क्या है, आपका ये कह रहा है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है हमें फ्लाइट प्लानिंग से पहले। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, ठीक है। कैमरे की फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, स्केल ऑफ फोटोग्राफ, लॉन्गिट्यूडनल एंड साइड ओवरलैप। ये लॉन्गिट्यूडनल एंड साइड ओवरलैप क्या होता है, जब आपका जो फ्लाइट है, ये फ्लाइट है और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। इसने यहाँ पे एक फ़ोटो खींचा, और जब ये प्लेन यहाँ पे होगा आपका तो यहाँ पर भी एक फ़ोटो खींचेगा, तो ये आपके जो फोटोग्राफ हैं ओवरलैप होंगे। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ ये फोटोग्राफ है, एक फर्स्ट फोटोग्राफ खींचा है और ये सेकेंड फोटोग्राफ खींचा है, तो ये ओवरलैपिंग हमें पता होनी चाहिए कितनी हमें करनी है। और ओवरलैपिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है, अगर ओवरलैपिंग नहीं हो, ये ओवरलैपिंग ज़्यादा, ओवरलैपिंग से ये है कि जो आपका डिस्टोर्शन था हाइट की वजह से वो एजेस पे ज़्यादा होता है, सेंटर में कम होता है, ठीक है। तो सेंटर में कम होता है, एजेस पे ज़्यादा होता है, तो ओवरलैप से थोड़ी सी थोड़ा सा उसमें हमें रिलीफ मिलता है। और अगर ओवरलैप नहीं होगा तो बीच में गैप हो सकता है फोटोग्राफ के, तो कोई जो ग्राउंड इसका सर्वे कर कोई हमारी मिस हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा ओवरलैप कर देंगे तो क्या होगा, छोटी सी जगह में ही हम कैप्चर कर पाएंगे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, यानी ज़्यादा फ़ोटो खींचने होंगे, ज़्यादा फ्लाइट को उड़ना होगा, ठीक है। इसलिए हमें ये इन्फॉर्मेशन ही पता होनी चाहिए कि कितना फोटोग्राफ का दोनों डायरेक्शन में, अगर हम दूसरी स्ट्रिप लें यहाँ पर भी फोटो खींचा जाएगा तो इस डायरेक्शन में भी ओवर कितना होना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड कह रहा है अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर, एयरक्राफ्ट की स्पीड पता होनी चाहिए हमें। तो ये डाटा है जो हमें फ्लाइट की प्लानिंग से पहले पता होना चाहिए, फोकल लेंथ, स्केल ऑफ फोटोग्राफ, ओवरलैपिंग, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एच कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया कितना एरिया कवर किया है फोटोग्राफ ने, ठीक है। एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है,
उसको टाइम इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर, एक्सपोजर होता है जब आप क्लिक करते हो, आपने फोटो क्लिक किया वो एक्सपोजर हुआ एक फोटो, फिर दूसरा क्लिक हुआ दूसरा फोटो, तो उन दोनों फोटो के क्लिक होने के एक्सपोजर होने के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी आएंगी और नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने आएंगे किसी ग्राउंड का सर्वे करने के लिए। कोई एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का, तो जब उसका आप एरियल सर्वे करोगे तो कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ चाहिए होंगे, कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप चाहिए होंगे। जैसे ये आपका एरिया है तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप होंगी ना, फोटो खींचते हुए जाएगा इसके ऊपर, फिर एक स्ट्रिप ये होगी, तो ऐसे स्ट्रिप में ये कंप्लीट करेगा, हमारा एरियल क्राफ्ट जो होगा वो ऐसे मूव करता जाएगा, फोटो खींचते जाएंगे, तो नंबर ऑफ कितनी स्ट्रिप हमारी रिक्वायरमेंट होगी इस एरिया को कवर करने के लिए। तो जो पहले डाटा बताया वो फ्लाइट के पानी से पहले रिक्वायर होता है, और उस डाटा की हेल्प से हम इतना कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ये क्या कह रहा है कि सफिशेंट फोटोग्राफ प्रॉपर ओवरलैप मस्ट बी टेकन, जो मैंने अभी बताया आपको कि ओवरलैप जो है ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो फ्लाइट नंबर ऑफ फ्लाइट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है वो लगभग 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो साइड ओवरलैप है वो आपका 60% यानी कि ये है लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, ये 60%, और आपका 30% क्या है, ये साइड से ओवरलैपिंग कर रहे हैं फोटोग्राफ, ये है आपका 30%। तो ये बात ये कह रहा है, किसी का डाउट है यहाँ तक का जरा बताओ, कोई डाउट किसी का इसमें? हाँ या ना बोल दो, कोई जल्दी से एक कोई बोल दिया करो। आवाज आ रही भी है? अरे आवाज आ रही है, बताओ। आ रही है ठीक सर, आ रही है है, आ रही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि चली गई है, सुनको सुनसान सा लगता है। ठीक है, कोई हाँ हूँ बोल दिया करो बीच में। ठीक है, ये डायग्राम को और समझ लो, ये फोटोग्राफ वन लिया, ये फोटोग्राफ टू लिया, दो फोटोग्राफ के सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस को बोल रहे हैं एयर बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग का है लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग जो 60% है ये, ठीक है। ये आपकी क्या है, डेटम से ग्राउंड की हाइट, ये टोटल हाइट है, एल्टीट्यूड हाइट, ये फ्लाइट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये डेटम है, ये ग्राउंड है, ये लाइन ऑफ फ्लाइट है, फ्लाइट इस लाइन ऑफ फ्लाइट से आपका मूव कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके आगे। ये कह रहा है कि सर, रीजन, हाँ, बताओ। सर ऊपर वाले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में ए एंड सी के बीच को अननेसेसरी ओवरलैप नहीं था? ए और ए जो मतलब ए बोल रहा हूँ, फोटो वन और फोटो थ्री के बीच पे जो ये फोटो जो ओवरलैप हो रहा है फोटो टू में, वहां पर भी इक्वल ओवरलैप टू को दिखाई दे रहा है अननेसेसरी हल्का सा, नहीं? ये फोटोग्राफ यस सर, वन और थ्री में भी ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, वन और थ्री का कोई लेना देना, ठीक है। मान लो कोई आपका, ये आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपने एक फोटोग्राफ कहाँ से लिया, इतना फोटोग्राफ लिया, दूसरा फोटोग्राफ कितना लिया, ये बीच का, और तीसरा ये फोटो वन फोटो टू फोटो थ्री, इन दोनों के ओवरलैप से यहाँ पे हमारा वो कॉमन जगह मिल जाएगी, मैच हो जाएगी, इन दोनों से यहाँ हो जाएगी, लेकिन टू और थ्री से नहीं होगी। वो एक्सपोजर इसमें जो दिखाया गया है ना, एक्सपोजर टाइम ज़्यादा कम है, इसके वजह से हमारा फर्स्ट और थर्ड भी ओवरलैप हो रहा है, लेकिन हमें देखना है बस सीक्वेंस में देखना है ओवरलैप कितना हो रहा है, 60 और 30%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, फर्स्ट फोटोग्राफ जो है वो ये है, इतना बड़ा है, फर्स्ट फोटोग्राफ इतना बड़ा है, सेकेंड फोटोग्राफ आपका ये है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते देखने के पर्पज से केवल, ये है, थर्ड फोटोग्राफ आपका ये है ना।
अब थर्ड फोटोग्राफ जो है लॉन्गिट्यूडनल में सेकंड फोटोग्राफ से ज़्यादा हो रहा है ना, या ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, 60% हो रहा है ना। तो मैक्सिमम जो है ओवरलैपिंग 60% है, ठीक है। अगर अब आपको ये लग रहा होगा कि जो थर्ड फोटोग्राफ है वो तो फर्स्ट फोटोग्राफ से मर्ज हो रहा है, जब इन दोनों को हम मर्ज करके एक मैप बनाएंगे ना, इन दोनों को, फोटो वन प्लस फोटो टू को, तब ये एक फोटोग्राफ बन जाएगा, ये एक फोटोग्राफ बन जाएगा, वो और टू का मर्ज करके एक मैप, बीच में लाइन थोड़ी ना दिखाई देगी, वो तो मर्ज हो गई इमेज। अब जो थर्ड फोटोग्राफ है वो यहाँ पे आपका इससे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये भी इससे मर्ज हो जाएगा, बीच की लाइन हटा दो, तो ये पूरा एक फोटोग्राफ बन जाएगा, एक मैप बन जाएगा, जो मैप हमने जनरेट किया है तीन फोटोग्राफ से, ठीक है, इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, ओवरलैपिंग आपकी वजह से आपका बजट बढ़ सकता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी आपकी तो आपका नंबर ऑफ फ्लाइट को ज़्यादा बार उड़ना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रिप कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि रीज़न क्या है ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग क्यों करते हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, ओवरलैपिंग से एक तो जो डिस्टॉर्शन था वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। कैसे डिस्टॉर्शन मिनिमाइज होता है इसको समझो, ये एक बिल्डिंग है, टॉप से देख रहे हैं तो छत ही दिखाई देगी, एक बिल्डिंग ये है, क्योंकि हम इसे टॉप से नहीं देख रहे, थोड़ा साइड से देख रहे हैं तो इसकी हाइट दिखाई देगी, ठीक है। जब हम फोटोग्राफ यहाँ से लेंगे, एयरक्राफ्ट हमारा यहाँ होगा और ये फोटो हमारा कवर हो रहा है, इतना थोड़ा और कवर होता तो ये जो टॉप वाली बिल्डिंग है जो इसके नीचे है, इसमें हाइट डिस्टॉर्शन कम है या जीरो है, बिल्कुल जो 90 डिग्री पे बिल्कुल है ना, थोड़ा सा इसके पास वाले जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें डिस्टोर्शन और कम होगा, लेकिन जो एजेस पे है स्ट्रक्चर उनमें डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा और एजेस पे ही ओवरलैपिंग भी हो रही है, तो डिस्टोर्शन जो है डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा और क्लियर और वेरीफाई हो जाता है और मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा होता है, एक ये फ़ायदा होता है कि आपका कोई लैंड का, जिस लैंड का आप सर्वे कर रहे हो उसका कोई पार्ट मिस नहीं होता अगर ओवरलैपिंग रहेगी, ठीक है। अगर हम ये कोशिश करेंगे कि ओवरलैपिंग ना हो तो उसमें ये एरर आ जाएगा कि बीच में गैप छूट सकता है ओवरलैपिंग ना के चक्कर में, ठीक है। तो एक ये दिक्कत हो सकती है। एक इसमें आपका एक और एग्जांपल बताता हूँ ओवरलैपिंग का क्या फ़ायदा है। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक फोटोग्राफ यहाँ से खींचा है तो इस फोटोग्राफ ने बिल्डिंग का ये पार्ट ले लिया, ठीक है। एक फोटोग्राफ यहाँ से खींचा है, इसने बिल्डिंग का ये पार्ट ले लिया, ठीक है। यानी कि दोनों बिल्डिंग के दोनों साइड व्यू आ गए हैं, और जब इनको ओवरलैप करोगे ना तो स्टीरियोस्कोप से आप इसको 3D देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने एक होलोग्राम की बात बताई थी ना, आपको मोबाइल में वीडियो चलाते हैं वो बना सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे स्टीरियोस्कोप की हेल्प से यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट की 3D थर्ड डायमेंशन में भी उसको हम देख सकते हैं ओवरलैपिंग की हेल्प से। तो यही रीज़न यहाँ पे लिखे हैं, मैं थोड़ी लैंग्वेज इस तरीके से लिखी है कि ये जो मैंने बात बोली वही चीज़ ये बोल रहा है थोड़ा, लेकिन समझ में नहीं आएगी लैंग्वेज से, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिख सकते हो। क्या कह रहे हैं, ओरिएंट प्रिंट सो एज टू फॉर्म ए कंटिन्यूस फ्लाइट स्ट्रिप फॉर ट्राइंग टू डिफरेंट प्रिंट टूगेदर इट एसेंशियल दैट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ ईच प्रिंट अपीयर ऑन द एज एज मैन प्रिंट इज पॉसिबल द सेंटर पोर्शन ऑफ द प्रिंट इज ऑलवेज लेस डिस्टॉर्शन। वही बात जो कह रहा है स्टीरियोस्कोप वाली, वही बात कह रहा है ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबिलिटी गैप लेफ्ट, ये सारी चीज़ें वही कह रहा है। ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि हमारी जो फ्लाइट है वो कंटिन्यूस एक ही स्ट्रिप में रहे, ठीक है, अगर बीच में हमारा कोई गैप आ गया तो वहाँ नहीं हो पाएगी फिर फ्लाइट। दूसरा डिस्टॉर्शन सेंटर में कम होता है, एजिस में ज़्यादा होता है। तीसरा स्टीरियोस्कोप से हम उसका विजन देख सकते हैं। फोर्थ फिफ्थ है आपका कि कोई गैप ना आ जाए। तो ये क्वेश्चन एक थ्योरी में पूछ लिया जाता है कि रीज़न फॉर ओवरलैप, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो करेक्ट है वो। विंड इफेक्ट, अब हमारा जो कैमरा माउंटेड है एरियल व्हीकल पे और विंड भी चल रही है, अब विंड की डायरेक्शन भी होती है, कभी किसी डायरेक्शन में किसी कभी किसी डायरेक्शन में, तो इसमें ज़्यादा समझने की बात ज़रूरत नहीं है कि बस जो कैमरा जो है उसका एक्सिस हो सकता है थोड़ा सा टिल्ट हो जाए हवा की वजह से, है ना। तो टिल्ट का भी हमें डायग्राम पता है कि टिल्ट हो जाती है चीज़, अगर कैमरा टिल्ट हो गया एक्सिस तो हमें कैसी चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे तो ये दो नंबर में कह रहा है कि इफ देयर इज अ विंड
The aircraft will move badly and fly in course inclined at angle proposed, course the angle being called drift angle. The failure of aircraft to stay along the flight line is called drift. जो फ्लाइट लाइन है, ये जो फ्लाइट लाइन है, इस फ्लाइट लाइन पे बिल्कुल सीधा उठने जो हमारे एयरक्राफ्ट फेल हो जाता है, और थोड़ा सा हवा की वजह से थोड़ा सा इधर चला गया, तो फोटोग्राफ देख रहे हो यहाँ पे ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है, फोटोग्राफ किस तरीके से इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, तो इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। दूसरा ये कह रहा है द रिड्यूस द इफेक्टिव फॉरवर्ड लैटरल ओवरलैप पॉसिबिलिटी गैप फोटोग्राफ एंड द फोटोग्राफ इज नॉट स्क्वायर द फ्लाइट टाइम एक्सपोजर एंगल द फॉर्म बिटवीन द फ्लाइट लाइन एंड द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ इज नोन एज क्रैब एंगल। ये दो डेफिनेशन आपको याद करनी है, एक तो ड्रिफ्ट क्या होती है, एक क्रैब एंगल क्या होता है, ठीक है। इसी को क्रैब भी बोलते हैं और क्रैब एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका एंगल है देख रहे हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली मैं बना दूँ सेकेंड वाली इमेज को, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना फर्स्ट वाली तो क्लियर समझ में आ गई। फोटोग्राफ इस तरीके से खींचनी चाहिए, इस तरीके से खींचने चाहिए, और ये लाइन ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोग्राफ थोड़े से ऐसे टिल्ट हो गए हैं कैमरे एक्सिस की वजह से, तो जो कैमरे के एक्सिस टिल्ट हो गए हैं, इनके बीच का जो एंगल है आपका जो 90 होना चाहिए था वो 90 से कम है अब, तो इसी को बोलते हैं क्रैब एंगल, ठीक है। तो ये इस तरह के एरर हमारे आ सकते हैं विंड इफेक्ट की वजह से। अब छोटे छोटे आपके कुछ डेफिनेशन हैं जो आपके एक डेरिवेशन में काम आएंगी, फिर डेरिवेशन के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। सबसे पहले एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट, एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट एच हम बोलते हैं इसको, आपको पता है डेटम से ऑप्टिकल एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है। डेटम यानी कि मीन सी लेवल। द फ्लाइंग एल्टीट्यूड इज रिलेटेड टू द स्केल ऑफ फोटोग्राफ एक्यूरेसी एंड कंट्रोल इंटरवल। तो इसको हम h को, एक तो आपका फॉर्मूला था स्केल के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, जिसमें f अपॉन h माइनस स्मॉल h था, ये फॉर्मूला था आपका, है ना। एक आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें h इज इक्वल टू कंटूर इंटरवल इंटू c फैक्टर। कंटूर इंटरवल क्या है, वो एक्सपोजर इंटरवल जो है आपका, ठीक है, वो कंट्रोल इंटरवल। और सी फैक्टर वेरीज बिटवीन 15 टू, कोई सी कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपका कंडीशन ऑफ सराउंडिंग द मैप कंपाइलेशन ऑपरेशन, जिसकी वैल्यू 500 टू 1500 होती है। तो एक नया फॉर्मूला ये आ गया है, इसमें बस फॉर्मूले को याद कर लो, एच इक्वल टू कंट्रोल इंटरवल टू सी फैक्टर, ये वैल्यू गिवन होगी, तो आपको वहाँ पे एच निकालना होगा। सेकेंड है एरिया कवर बाय ईच फोटोग्राफ, वन फोटोग्राफ कितना एरिया कवर करता है जिस ग्राउंड का हम सर्वे कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट की, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एरिया कवर बाय वन फोटोग्राफ। ये आपका है एयरक्राफ्ट, यहाँ से एक फोटो खींचा ये, तो ये जो ग्राउंड का है आपका, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया की बात कर रहा है एक फोटोग्राफ के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एरिया कवर इसको टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्केल इनटू विड्थ। लेंथ और विड्थ क्या है, फोटोग्राफ की लेंथ एंड विड्थ इनटू स्केल, सिंपल सी बात है। तो मतलब फॉर्मूला आप खुद ही जनरेट कर सकते हो कि जो ग्राउंड पे अगर एक किलोमीटर है और आपके फोटोग्राफ पे वो लाइन एक सेंटीमीटर है, तो स्केल क्या हो गया, वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन किलोमीटर। तो जब ग्राउंड के वन किलोमीटर को निकालना है अगर, तो वो जो वन सेंटीमीटर उसमें स्केल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राउंड का वन किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरह लेंथ निकाल लेंगे, विड्थ निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ कवर निकल जाएगा कोई फोटोग्राफ के ना कवर, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं कि एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है आपका। बहुत सिंपल है, लेंथ है फोटो की लेंथ, विड्थ है फोटो की विड्थ, और जो स्केल यूज करें उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोग्राफ टू कवर द गिवन एरिया। फर्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा कि एक फोटोग्राफ कितना एरिया ग्राउंड का कवर करता है। आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ टू कवर ए गिवन एरिया, आपको एक एरिया दिया हुआ है L इंटू W,
एल होगी लेंथ और डब्ल्यू होगी विड्थ, उस एरिए को कितने फोटोग्राफ कवर करेंगे, कितने फोटोग्राफ हमें खींचने हैं कि वो उस पूरे एरिए का सर्वे हो जाए, ये कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, इफ देयर इज नो ओवरलैप ऑफ फोटोग्राफ देन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कवर इट। अगर ओवरलैपिंग ना हो तो वो कैसे निकालोगे आप, कोई मुझे बताएगा? अगर ओवरलैपिंग ना हो टू एज मिले हुए हों फोटोग्राफ, तो किसी गिवन एरिया के नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैसे निकालोगे, कोई बताओ मेरे को। मैं पूछता हूँ फिर नहीं बता रहे हो तो। फहद खान, फहद हाँ, तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है भाई, थोड़ा क्लास अटेंड किया करो। मेरे को बताओ कि अगर फोटोग्राफ आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैसे निकालोगे आप किसी गिवन ग्राउंड का सर्वे करना है तो। कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है बताने वाली, सिंपल है। कुणाल, एक्सक्यूज मी सर, यस सर, कुणाल हाँ हाँ कुणाल, जरा बताओ मेरे को ये कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फोटोग्राफ अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो। आपको मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास है ना 5 किलोमीटर स्क्वायर एक एरिया है, 5 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है और एक फोटोग्राफ का साइज है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप मेरे को कैसे बताओगे कि कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ हमको चाहिए हो 5 किलोमीटर कवर करने के लिए? 2 सेंटीमीटर एक फोटोग्राफ ले रहा है, 2 सेंटीमीटर का एक फोटोग्राफ है, ठीक है, और वो एक 2 सेंटीमीटर वाला जो है वो तो बताओ कि कितने फोटोग्राफ चाहिए सर, वो ओवरलैप होगा या नहीं, यानी कि अगर जो ओवरलैप होगा तो हमको 6 फोटोग्राफ ही चाहिएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, ओवरलैप होगा तो वो तो मैं समझाऊंगा अभी कि ओवरलैप होगा तो कैसे निकालेंगे, लेकिन विदाउट ओवरलैप तो सिंपल कैलकुलेशन है, बच्चे वाली कैलकुलेशन होती है सर, 5 करने हैं तो फिर तो हमको क्लिक। देखो टोटल एरिया को डिवाइड कर दो एक फोटोग्राफ के एरिया से तो निकल नहीं जाएंगे नंबर ऑफ फोटोग्राफ, सिंपल थी ये चीज तो। देखो ये कह भी रहा है कि अगर ओवरलैप नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है, टोटल कवर एरिया जो डिवाइड बाय एरिया ऑफ फोटोग्राफ, नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको ऐसे समझो, ये है आपका एरिया जिसका सर्वे करना है और ये है आपके फोटोग्राफ जो इस एरिया को कवर कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने हैं हमें, ये सारे फोटोग्राफ हैं जो इस एरिया को कवर है, तो इस पूरे एरिया को अगर एक फोटोग्राफ के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर निकल जाएंगे ना कितने, विदाउट ओवरलैपिंग है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब ओवरलैपिंग है तो क्या होगा, देखो, but the necessity of longitudinal side overlap has already been discussed, thus should be counted for it, let the total area covered by A. For example, मान लो कि total area जो है ground की बात हो रही है, photograph की नहीं हो रही, total area क्या है हमारा ground पे A, उसकी जो longitudinal side है वो है L, उसकी जो width है आपकी वो है W, ठीक है, जो आपका length के long जो आपका overlap हो रहा है वो है PL, जो आपका विड्थ की अलोंग ओवरलैप हो रहा है वो है पी डब्ल्यू, ओवरलैपिंग है कितने परसेंट हो रही है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, अगर आपको लेंथ निकालनी है, ग्राउंड की लेंथ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस PL इंटू SL, PL क्या है, परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग, लॉन्ग
टर्न कितनी होती है, 60% बोली मैंने, तो पीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60.60 है ना। एस क्या आपका जो स्केल यूज कर रहे हो, एल क्या आपकी फोटो की लेंथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप निकाल लोगे, सिंपल सा आपका। एक बार देखो स्केल का फॉर्मूला, एक ये भी होता है कैपिटल एल बाय स्मॉल एल, ठीक है। एल निकालना है हमें, तो एल क्या हो गया, एस एल, इसमें एक चीज और मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि पूरा ओवरलैप 100% नहीं है और ना ही 0% है, तो इसमें 60% है, तो 40% बचा, तो 1 माइनस पीएल। अभी 60% इसलिए इन्होंने नहीं लिखा है क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी तो बस बताया गया एक जनरल के 60% होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल में। तो ये है आपका ग्राउंड की लेंथ निकालने का फॉर्मूला, ये है ग्राउंड की विड्थ निकालने का फॉर्मूला। 1 माइनस पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू क्या स्केल 30% जो बोला गया है, एस क्या स्केल और डब्ल्यू क्या आपका विड्थ ऑफ फोटोग्राफ। कैपिटल जो चीज है अल्फाबेट में वो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, और जो स्मॉल अल्फाबेट है एल डब्ल्यू में वो आपके फोटोग्राफ की बात करता है। लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई, ठीक है आपकी। अब देखो कैसे नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकाले इन्होंने, स्मॉल ए का मतलब है फोटोग्राफ का एरिया, ठीक है, कैपिटल ए का मतलब है आपका टोटल ग्राउंड का एरिया, ठीक है। तो एल और एल डब्ल्यू आपका आ गया कि एक फोटोग्राफ ने कितना आपका एरिया कवर किया, तो ए एल डब्ल्यू और एल डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये आ गया। फिर इसको सॉल्व किया तो ए इज इक्वल टू ये आ गया आपका, ठीक है। ये क्या आ गया, एक फोटोग्राफ ने कितना एरिया कवर किया ग्राउंड का। अब नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने हैं तो ए क्या है, टोटल एरिया, कैपिटल ए क्या है, टोटल ग्राउंड जिसका सर्वे करना है, और स्मॉल ए क्या है, वो एरिया जो फोटोग्राफ ने कवर किया है, उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ आपके निकल जाएंगे। एक बार और इसको बताता हूँ, शायद कंफ्यूज हो गए आप, हो जाओ ऐसी सोचो, इस कैलकुलेशन को मत देखो कि आपको एक लैंड दिया हुआ है जिसका एरिया है ए और उसका सर्वे करना है एरियल सर्वे। अब लाइट होगी जिसमें कैमरा लगा होगा, फोटो खींचेगी, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने फोटो खींचे वो कि पूरा एरिया कवर हो जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि एक फोटोग्राफ कितना एरिया ले रहा है ग्राउंड का, और उस एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो आपका सिंपल निकल जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है वो फोटोग्राफ के साइज से नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि फोटोग्राफ में ओवरलैपिंग हो रही है ना। अगर साइज से निकालना होता तो ये, तो ये चीज़ आती नहीं यहाँ पे, ये चीज़ आती नहीं अगर ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है। पर ओवरलैपिंग है तो लॉन्गिट्यूडनल में जितनी ओवरलैपिंग है वो यहाँ पे दिखा दी, वेट यहाँ पे निकाली। ये जो एल और डब्ल्यू है ना, ये टोटल सर्वे एरिया की लेंथ और विड्थ, ठीक है। ये बस यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल एल और कैपिटल डब्ल्यू जो है ये ग्राउंड की लेंथ विड्थ है, पर उस ग्राउंड की है जो एक फोटोग्राफ कवर कर रहा है। इस तरीके से ये आपका एरिया जो आपको सर्वे करना है, और ये वो आपका एरिया जो एक फोटोग्राफ ले रहा है, कैपिटल एल और डब्ल्यू, ठीक है। इस छोटे से एरिया को डिवाइड कर दो आप इस पूरे एरिया से, तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकल जाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इस, ये जो है ये है आपका, अब ये फोटो है, ये छोटा सा जो है फोटो है जिसमें ये एरिया दिखाई दे रहा है। तो अगर ग्राउंड पे आपको ये लोकेशन निकालनी है तो क्या करना, मल्टीप्लाई करना होता है, स्केल का मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल सा। अगर आप फोटोग्राफ के एरिया में स्केल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राउंड का एरिया निकल जाएगा। बट कंडीशन क्या आ गई है कि ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है लॉन्गिट्यूडनल भी और साइड भी, तो फोटोग्राफ इतना एरिया जो अब जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है इतना एरिया केवल कवर करता है। तो इसमें मल्टीप्लाई और क्या कर दिया हमने, 1 माइनस पीएल अलग निकाल लिया और पीडब्ल्यू अलग निकाल लिया। अब जो एरिया आया एक्चुअल में जो फोटोग्राफ ने कवर किया एरिया, उससे डिवाइड कर दिया टोटल एरिया को। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकल के आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो इसमें पूछो, इसमें डाउट क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने वाले हैं और एक्सटर्नल में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें हो तो पूछ लो मेरे से।
इसके दो तीन न्यूमेरिकल कराने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि न्यूमेरिकल 100% आता है जरूर, नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने का, ओवरलैपिंग दी होती है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने होते हैं, एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर भी है हमारा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ बस, कि हमने निकाला है कि टोटल जो सर्वे एरिया है उसमें कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ कवर कर रहे हैं उस एरिया को, एन निकाला है हमने। एन वन क्या होता है कि अब ये जो ग्राउंड है जिसका सर्वे करना है, इसको ऐसे करते हैं सर्वे, फ्लाइट जो होती है आपकी ना ऐसे उड़ती है, ये फ्लाइट है तो ये ऐसे उड़ेगी यहाँ पे, इसको कवर करेगी, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो स्ट्रिप्स हैं, तो एक स्ट्रिप में कितने फोटोग्राफ आ रहे हैं, ये वो एन वन एन टू निकाला गया है, ठीक है। और इस वाली विड्थ की डायरेक्शन में जो स्ट्रिप है इसमें कितने फोटोग्राफ आ रहे हैं, और एन वन एन टू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एन कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटोग्राफ। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो 240 लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कराने हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। कोई डाउट आए तो उस टाइम पे पूछ लेना। 34 स्टूडेंट।